जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर जम्मू म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर बैठे हैं हम काउंसलर्स ही क्यों? क्या जम्मू की जनता के साथ आज तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला गया है? तमाम 75 वार्डों के नुमाइंदे जीते हुए कौन है, काउंसलर या फिर कॉर्पोरेटर? कॉर्पोरेटर है या काउंसलर है? 75 वार्डों के जीते हुए नुमाइंदे काउंसलर हैं, तो फिर जम्मू म्युनिसिपलिटी में चेयरपर्सन क्यों नहीं? और अगर वो कॉर्पोरेटर हैं, तो अभी तक उनको काउंसलर क्यों कहा जा रहा है? देखिए, अभी तक तो ये बेचारे काउंसलर ही हैं। आखिर इस कंफ्यूजन को कौन दूर करेगा? ये 75 के 75 नुमाइंदे जो जीत कर आए हैं, ये काउंसलर हैं या फिर कॉर्पोरेटर हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है कि अगर ये काउंसलर हैं तो म्युनिसिपल में चेयरपर्सन होना चाहिए, और अगर कॉर्पोरेटर हैं तो मेयर होना चाहिए। इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखेगा और आप भी समझ पाएंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि इस समय जम्मू म्युनिसिपल जो है वो जम्मू की जनता के साथ झूठ बोल रही है और इतना बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर जम्मू म्युनिसिपल कमेटी, यह हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि खुद इलेक्शन जीते हुए लोग ये बोल रहे हैं कि हम कौन हैं, कॉर्पोरेटर या फिर काउंसलर। अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो इन लोगों का अभी तक स्टेटस काउंसलर क्यों है? चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। जहां कॉर्पोरेशन होता है वहां कॉर्पोरेटर और मेयर होता है, और जहां म्युनिसिपल कमेटी होती है वहां काउंसलर और चेयरपर्सन होता है। हैरानगी की बात तो यह है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यहां मेयर तो है लेकिन कॉर्पोरेटर नहीं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जम्मू म्युनिसिपल काउंसलर लिखा हुआ है, यानी कि ये जितने भी जीते हुए लोग हैं ये कॉर्पोरेटर नहीं बल्कि काउंसलर्स हैं। मीटिंग रूम पर भी आप एक नजर डालेंगे तो मीटिंग हॉल में काउंसलर हॉल लिखा हुआ है। इस सब पर जब हमने जीते हुए लोगों से बात की तो वो खुद हैरान परेशान दिखे और उन्होंने भी एक ही सवाल पूछा है कि हम कौन हैं, हम कॉर्पोरेटर हैं या फिर काउंसलर हैं। पिछले 4 सालों से हम कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो कोई भी मेयर सामने हो, हमारा भी यही सवाल रहता है कि 4 साल से आखिरकार हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर बैठे हैं, हम काउंसलर्स ही क्यों? हम कॉर्पोरेटर क्यों नहीं बन पाए? हमारे नाम की अगर चिट्ठी आती है तो उसके आगे कॉर्पोरेटर क्यों नहीं लिखा जाता, उसके आगे काउंसलर क्यों लिखा जाता है? अगर हम काउंसलर हैं तो जो यहाँ पे मेयर साहब बैठे हैं वो चेयरमैन होने चाहिए। अगर हम काउंसलर हैं तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जगह जम्मू म्युनिसिपल कमेटी होनी चाहिए। अगर हम काउंसलर हैं तो इन लोगों को भी वो प्रोटोकॉल एंजॉय करने का, उस प्रोटोकॉल में रहने का कोई हक नहीं है अगर हम काउंसलर हैं। अगर हम कॉर्पोरेटर्स हैं तो ये भी मेयर और डिप्टी मेयर रहने के हकदार हैं, यहाँ कॉर्पोरेशन कहलाने का हकदार है। अगर हम काउंसलर्स हैं तो इनको भी प्रोटोकॉल में एंजॉय करने की, इनकी सैलरी में और हम लोगों की सैलरी में, इनकी पावर्स में हम लोगों की पावर्स में जमीन आसमान का फर्क है। कौन सा 74 अमेंडमेंट, कौन सा 73 अमेंडमेंट आपने लागू किया अगर 4 साल के बाद भी हम लोग काउंसलर्स ही हैं तो? देखिए, अभी तक तो ये बेचारे काउंसलर ही हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन से इलेक्शन जीता हुआ हमने, लेकिन हमने अपनी बात जो है वो पिछली दवा हाउस में रखी हुई है। मुझे यकीन है इस दवा हाउस में इसको मॉडिफाई करा के दोबारा भेजेंगे, फिर देखेंगे कि सरकार इस पर क्या मंथन करती है। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मेयर है हमारा कॉर्पोरेशन का, जैसे बाद में कॉर्पोरेशन चाहते हैं उसी तरीके से होना तो यहाँ कॉर्पोरेटर ही चाहिए था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। लेकिन इस पर भी हम संज्ञान ले रहे हैं, हाउस की मीटिंग आती है उसमें आपको पूरा ब्यौरा देंगे कि आप पहले कुछ हुआ है, सरकार ने किया है या नहीं किया, नहीं तो इस बार दोबारा बड़ा स्ट्रांगली जो बिल है जो हम अपने जैसे मूव करेंगे क्यों नहीं सरकार करेगी।
हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम कॉरपोरेटर हैं या काउंसलर हैं। जो हमें लेटर्स आती हैं कॉरपोरेशन की तरफ से या डीसी ऑफिस डीकॉम की तरफ से, वहाँ पे काउंसलर लिखा जाता है। और अगर हम काउंसलर हैं तो मेयर और डिप्टी मेयर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उनको चेयरमैन होना चाहिए। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नाम चेंज करके एक कमेटी बनानी चाहिए, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन नहीं कहना चाहिए, इसको काउंसलर कहना चाहिए। और हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा चार साल के अंदर हमें बनाया क्या गया है, कॉरपोरेटर या काउंसलर। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर जेएमसी कॉरपोरेशन है तो यहाँ कॉरपोरेटर क्यों नहीं? अगर ये सब काउंसलर हैं तो यहाँ मेयर का क्या काम है? यहाँ चेयरपर्सन क्यों नहीं और ये जेएमसी म्युनिसिपल कमेटी क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट टॉक्स।